मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ मॉडल पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और हमारे इस प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली इंटरनेशनली प्रमोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 124 यानी कि 124 हमारी एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह जो जो पर्सनैलिटी हमारे साथ होती है, ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि बल्कि पाकिस्तान के लिए अपने से ज़्यादा उनकी खिदमात होती है। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का आपसे तारफ़ कराऊँगा, तारफ क्या कराना, शायद मेरे पास वो वर्ड्स भी ना हों और जिनका मैं इंतहाब कर सकूँ, क्योंकि अपने दौरे हाजिर के वो बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े फिलासफर अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के, और अगर मैं बहुत बड़े शायर कहूँ बल्कि इनकलाबी शायर, एक ऐसा शायर जिसने जो भी काम किया, जितना भी काम किया, एक ऐसा असर छोड़ा कि ना सिर्फ उस सदी में बल्कि आने वाली सदियों में भी और अरसा दराज तक याद रखा जाएगा। जब भी पाकिस्तान में इनकलाब की बात होगी, जब भी पाकिस्तान में तख्लीकी सोच की बात होगी, जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसी बात होगी, तमीरी सोच की बात होगी, तो एक ही नाम आएगा हमारे सामने, और वो है हली, वो है हबीब जालिब मरहूम। जी हाँ, आपने वो शेर तो सुना होगा, वो अल्फाज तो सुना होंगे कि सुबह नूर को इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जी हाँ, ये वही अल्फाज हैं हबीब जालिब साहब के, और आज मैं हबीब जालिब साहब के घर पे मौजूद हूँ उनकी फैमिली के साथ और उनके फर्स्ट ग्रैंडसन के साथ। अमर जालिब उनके पोते आज उसी, मैं कहूँगा कि उसी लेगेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो लेगेसी क्या थी हबीब जालिब साहब की, वो सोच क्या थी, वो ख्वाब क्या था, उनको लोग मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ उनके काम से याद रखे हुए और रखेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। वही बात तमीरी काम हो, चाहे तकनीकी काम हो, चाहे इनकलाबी काम हो, जालिब साहब ने जब भी लिखा बगैर किसी डर और खौफ के, चाहे वो बादशाह का दौर हो, चाहे आमरियत का दौर हो, लेकिन जालिब साहब की ये खसूसियत रही दिखने वालों में से कि ना वो झुके भी नहीं, ना कभी वो डरे हैं, हमेशा जो लिखा उन्होंने दिल की आवाज़ लिखी है, और यही चीज़ें यही अल्फाज उनको अमर करते हैं कि आज जालिब को गए हुए शायद एक मुद्दत गुजर गई हो, लेकिन जालिब की फिलोसफी आज भी है। उस फिलॉसफी क्या है उसको जानने के लिए आज अमर जालिब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे ख्वाबों से तबीयत के सफर में। मैं जानने की कोशिश करूंगा हबीब जालिब की कहानी अमर जालिब की जुबानी, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर जालिब साहब, क्या हाल है आपका? हरियत से वेलकम टू माय शो पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं जालिब साहब के घर हूँ, उनकी यादें मेरे साथ हैं। ये वो हबीब जालिब साहब है जिनको मैं बचपन में सुनता था, पढ़ता था, और एक तख्लीकी सोच के वो मालिक थे। उनमें जैसे मैंने अपने तारफ़ में भी कराया है कि भी इनकलाबियत से भरपूर थे, यानी कि हम जालिब को पढ़ते पढ़ते जवां हो गए और यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि उनकी इनकलाबियत हमारे अंदर थी। तो आपके तो वो दादा थे, आप तो उनके लेगेसी को लेके चल रहे हैं, आपने तो उनको बहुत करीब से देखा, सुना, जाना। आज प्लीज़ हमारे व्यू से शेयर कीजिए कि हबीब जालिब एक्चुअल में है क्या थे, और उनका मिशन क्या था, विजन क्या था, और वो सोचते क्या थे,
और उनकी लेगेसी को लेकर आगे आप किस तरह से चल रहे हैं, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस चैनल एशियन ट्रेड टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कि आज आप यहाँ पर हमारे घर हबीब जालिब हाउस में आज मौजूद हैं और आज जालिब साहब के हवाले से नौजवानों तक जो हमारा मिशन है उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जालिब साहब का जो मिशन है, वो विजन है, वो इसको अब घंटों लगेंगे एक्सप्लेन करने में, पर तो शॉर्ट करते हैं इसको। जालिब साहब का जो मिशन है वो जो सुन्नत हुसैनियत है वो जालिब साहब ने निभाई है, यानी कि जालिब साहब ने हर वक्त के यजीद के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया, ये उनका मिशन था और विजन ये था कि वो नज़रिया पाकिस्तान, जो हकीकी नज़रिया पाकिस्तान है, उसका ख्वाब देखते थे और जो कि वो बदकिस्मती से अब तक यहाँ पे हमें मयसर नहीं हो सका। तो उन्होंने, क्योंकि खुदादाद सलाहियत जो शायरी थी, उनको सातवीं जमात से ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर डाल दी थी और उनके उस्ताद मोहतरम ने इसका इंदिया दे दिया था कि हबीब अहमद जो हैं, जिन हबीब जालिब साहब का असल नाम हबीब अहमद था, तो उन्होंने सातवीं जमात में जो मिसरा कहा वो शेर बन गया दो मिसरों का, वक्ते सहर को उन्होंने जुमले में इस्तेमाल करना था, उसको शेर बना दिया। वादा किया था आएंगे इमशब ज़रूर वो, वादा शिकन को देखते वक्ते सहर हुआ। वाह, ये उनकी ज़िंदगी का एक सातवीं जमात के तालबे इल्म का, गांव के रहने वाले एक मतवसत तबके से लोअर मीडियोकर क्लास के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे का ये आईक्यू था उस वक्त कि उसने उसको शेर बना दिया। तो उनके उस्ताद मोहतरम ने उसका बताया। फिर दूसरा शेर आठवीं जमात में, वक्त हुआ था नमाज का और उस्ताद मोहतरम और दूसरे जो साथी थे वो नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो वो शेर वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुद्दतें हो गई ख़ता करते, शर्माती है अब दुआ करते। वाह, ये आठवीं क्लास में, आठवीं जमात का तालिब एंग्लो अरेबिक मोरी गेट में दाखला हो गया था इनका माइग्रेशन के बाद दिल्ली में। अच्छा। क्योंकि जालिब साहब का ताल्लुक बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, नौजवानों को बताना चाहूँगा कि जालिब साहब का ताल्लुक जो है वो चढ़ते पंजाब यानी कि मशरकी पंजाब ज़िला होशियारपुर से था और फिर माइग्रेशन से पहले वो दिल्ली में थे और दिल्ली में बल्ली मारा का इलाका वहाँ पर ये थे। और ये नौजवानों को ये भी बता दूँ कि जालिब साहब ने सियासत में बाकायदा जो हिस्सा लेना शुरू किया वो 1947 में मुस्लिम लीग की, जो यंग मुस्लिम लीग थी दिल्ली की, उसमें बाकायदा उसके रुकन थे और वहाँ पे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब और हज़रत अल्लामा इकबाल के वो शेर सुनाया करते थे जलसों में। अच्छा, जालिब साहब उस वक्त क्या उम्र होगी जालिब साहब की? उस टाइम उम्र वो आठवीं जमात नौवीं जमात के तालिब थे उस ज़माने में। जी बिल्कुल, वो शायरी शुरू हो गई थी, शायरी शुरू, क्योंकि शायरी का एक तो जलसा जुलूसों का हिस्सा बन चुके थे। जी बिल्कुल बन चुके हुए थे, शायरी खुद बाकायदा तो उन्होंने वो कहना तो शुरू कर दी हुई थी, लेकिन उस तरह से बाकायदगी से जब शायरी शुरू की वो तो कराची आकर फिर कराची के मुशायरों में की, लेकिन वहाँ पर क्योंकि जालिब साहब के जो बड़े भाई मुश्ताक हुसैन मुबारक जो मेरे नाना भी हैं वो असल में शायर थे और वो वॉइस रॉय के मुलाजिम थे, महकमा इतलात में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था उस टाइम, वहाँ पे वो मुलाजिम थे और जालिब साहब के वालिद साहब खुद सूफ़ी मंश आदमी थे और सूफ़ी शायर भी थे। घर का माहौल जो था वो हमारा काफ़ी अदबी माहौल रहा है और क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी और बड़े बड़े शोरा कराम जो है उनको सुनने को उस गांव में आया करते थे और फिर दिल्ली में वालिद जालिब साहब अपने बड़े भाई के साथ बड़े बड़े
मुशायरों में गोरखपुरी साहब और बहुत बड़े बड़े उस टाइम के जो शायर थे उनको सुना करते थे, तो ये माहौल उनको मैसर था वहाँ उस टाइम से शुरू से। फिर माइग्रेशन के बाद वो कराची आ गया, कराची में कुछ आयाम उन्होंने मजदूरी की और बंदरगाह पे उन्होंने लोडिंग अनलोडिंग का काम किया, डॉन में और अमरोज़ में भी एज प्रूफ रीडर काम किया और फिर मुशायरों में भी जाना शुरू कर दिया। कराची का माहौल बड़ा उस टाइम अदबी माहौल था, शायरी इस तरह का माहौल था कि वहाँ पे हर जो शख्स है, कोई रेड़ी बान वाला, कोई पान वाला, वो कोई ना कोई गज़ल कहता था। इस तरह का माहौल था उस टाइम पे। कराची का तो वैसे भी अदबी माहौल, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग है, चाहे वहाँ के मजदूर भी देख लें। तो सर ये बकायदा दुनिया ने कब जाना कि जालिब है? ये वो कौन सा लम्हा था जब कि टर्निंग पॉइंट था जालिब साहब की लाइफ में? ये 1964 की बात है, अयूब खान साहब का दस्तूर आ चुका था, खुद साख्ता दस्तूर, उसके खिलाफ जालिब साहब वाहिद तवाना आवाज़ बनकर उभरे। अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने एक नज़म लिख डाली, दस्तूर जिसका उन्वान था, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये वो शोरा आफाक नज़म है जो आज हम समझते हैं कि तराना जमहूरियत बन गया है। अगर पाकिस्तान का अगर कोई कौमी तराना और जमहूरियत का कोई कौमी तराना होना चाहिए तो हम समझते हैं कि जालिब साहब की इस नज़म को होना चाहिए। आजकल के दौर में देखा है कि पाकिस्तान के मशहूर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जब उनके ऊपर कोई ऐसे जमहूरियत के वक्त कोई कड़ा वक्त नज़र आता है तो वो जालिब साहब के इन शेरों को ज़रूर याद करते हैं। ये ट्रेंड बन चुका हुआ है शायद, क्या उन जालिब साहब ने जब इस तरह की शायरी शुरू ही की थी तो जालिब साहब को पता था कि वो जिन लोगों के लिए कह रहे हैं ये शेर या जिन लोगों को मुखातिब कर रहे हैं वो कौन से लोग होंगे या कौन सा उसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पर? ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी शायर के लिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जालिब साहब का किसी के साथ वो उस तरह से ज़ाती तो कोई इख्तलाफ नहीं था, नज़रियाती इख्तलाफ बिल्कुल। वो जालिब साहब अगर होते तो वो इस बात को पसंद ना करते शायद, और शायद वो, क्योंकि मैं जो समझता हूँ अपने ज़ाती तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि ये जालिब साहब की नज़रियात की जीत है कि उन लोगों को भी जालिब साहब से सियासी इमदाद लेना पड़ गई है जिनके खिलाफ जालिब साहब ने लिखा, जिनकी नज़रियात के खिलाफ जालिब साहब ने स्ट्रगल की लिखा, वो भी आज जालिब साहब से सियासी इमदाद लेने पर मजबूर हैं। तो ये जालिब साहब की नज़रियात की जीत है। इसके ऊपर मज़ीद बात होगी, ये बहुत ही दानिश्वर बात आपने की है, क्योंकि जालिब साहब की यही जीत है और वो कौन लोग हैं इसके ऊपर मैं आपको जानने की कोशिश करूँगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमर जालिब साहब मेरे साथ मौजूद है, हबीब जालिब साहब के वो पोते हैं, और इस वक्त जितनी हबीब जालिब फाउंडेशन के हवाले से और जितने काम हो रहे हैं उसके यानी कि वो लेकर चल रहे हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात होगी। अभी इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो ये 1956 से यानी 1956 से उनका इस फिल्मी दुनिया का एज ए लिरिसिस्ट, गीत निगार, उनका सफ़र का आगाज़ हुआ। वो तो अलाउद्दीन साहब जालिब साहब के बड़े करीबी दोस्तों में से थे, तो उन्होंने जालिब साहब को कहा कि आप कराची से लाहौर आ जाएं, वहाँ पर आपके लिए हम लोग काम अरेंज करेंगे फिल्मों के लिए। और क्योंकि चूँकि रियाज शाहिद साहब भी उन दिनों में वहाँ पे आए हुए थे, फिल्म स्टार शान साहब के वाले साहब, ये और अलाउद्दीन साहब, ये दो फिल्म इंडस्ट्री में से जालिब साहब के दोस्त बने थे। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में दोबारा से खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मैं इस वक्त जालिब हाउस में हूँ अमर जालिब साहब के साथ। हबीब जालिब साहब नज़रियाती मैं कह सकता हूँ, मेरे रूहानी उस्तादों में से भी कह सकता हूँ, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़, और शायद किसी और मुल्क के पास होते तो शायद उन्होंने इनके नाम से यूनिवर्सिटीज़ बना दी होती और बहुत सारे अदारे कायम और वजूद में आ चुके होते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, दोबारा से मैं कहूँगा, जितना भी इन्होंने काम किया, खूब किया, चाहे उस दौर में किया
इस दौर के लिए किया और आने वाले दौर तक याद रखा जाएगा। जनाब अमर साहब ये बताइएगा, जालिब साहब की कहा जाता है कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त की जो आमरियत थी उनके साथ कभी बनी नहीं, और ये जो स्पेशली ये जिस नज़म का आप हवाला दे रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी भी लगी, और जालिब साहब के ऊपर फिर थोड़ा सा उनको थोड़ी सी कैद व सबत की यानी क्या कहते हैं मुसीबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी, तो वो इनकलाबियत जो थी उनके अंदर ज़हनी तौर पर, वो इनकलाबियत क्या उस सिस्टम के उस के अगेंस्ट थी, उस सोसाइटी के अगेंस्ट थी कि उस निज़ाम के अगेंस्ट थी जिसके लिए आज तक भी स्ट्रगल हो रही है? बिल्कुल उसी निज़ाम के अगेंस्ट थी, उसी सिस्टम के अगेंस्ट थी, और आज तक जालिब साहब की जो शायरी है वो उन लोगों को गाली लगती है। यानी कि आप देखें कि जालिब साहब को पुल सरमायादार वो जागीरदार पसंद इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसको उसके खिलाफ बात लगती है, तो गाली तो कोई किसी को कोई बर्दाश्त नहीं करता ना। तो जालिब साहब के अल्फाज ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट अंदाज में आसान अल्फाज में हैं और वो डायरेक्ट अंदाज में असर करते हैं, और वो फिर ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई गालियों के तीर बरसा रहा है। तो जालिब साहब का नज़रियाती इख्तलाफ रहा है और हमेशा रहा है, हर दौर में रहा है, अयूब खान साहब से लेकर या जनरल ज़ियाउल हक तक जालिब साहब का इख्तलाफ, इवन के सिविल जो हुकूमतें उनके साथ भी जालिब साहब का इख्तलाफ रहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी इख्तलाफ रहा। शुरू में उनको उन्होंने जुज़वी तौर पर उनकी हमायत की थी, लेकिन उसके बाद जब वो इक्तदार में आई तो जो उनको जो उनके एक्सपेक्टेशंस थी उस पर मोहतरमा नहीं पूरी उतर सकें, तो जालिब साहब ने उनके खिलाफ भी खुल के बात की क्योंकि जालिब साहब जो हैं वो अपनी ज़मीर की आवाज़ अपने और लोगों की जो दादरसी है, लोगों की जो तर्जमानी है, वो अपने अशार में करते रहे और वो उन्होंने अपने ज़मीर का कभी सौदा नहीं किया, और इसी वजह से उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की और हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त की, और इसमें उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा किरदार है कि उन्होंने साबित कदमी से जालिब साहब की हौसला अफजाई की और उनको सपोर्ट किया। अभी साहब अब ये मुझे बताइएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जालिब साहब बहुत अच्छा काम करके दिखाया और गहरे नकूश छोड़े, स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कि मैंने अपने जब आई वाज स्टूडेंट ठीक है तो मैंने वो देखी, बहुत दफ़ा देखी, काले चोर। और वो भी मैं देखूँ अगर उसकी तारीफ़ में करूँ, वर्ड काले चोर तो एक आम सा वर्ड था लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज था, वो भी सिस्टम के ख़िलाफ़ थी। एक वहाँ भी एक बड़े मशहूर डायलॉग थे कि भी यहाँ पर इंसाफ यानी कि आपको पता ही होगा वो बोले गए थे, उसको भी बाद में सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। तो अब देखिएगा फिल्म इंडस्ट्री में जालिब साहब की एंट्री और उसके बाद फिर किस तरह से क्या एग्जीक्यूशन हुई, थोड़ा सा मज़ीद उसको लुब्रिकेट। मैं जालिब साहब ने आपको बताया कि शायरी का आगाज़ कराची में की, क्योंकि माइग्रेशन के बाद जालिब साहब की पूरी फैमिली, वालिद साहब के अलावा, वालिद साहब एक साल बाद आए थे कराची, शिफ्ट हो गए थे जेट लाइन के इलाके में, तो वहाँ पे 1956 में एक मिस 56 नामी मूवी बन रही थी, उसमें इन्होंने पहला गीत लिखा था। तो ये 1956 से यानी 1956 से उनका इस फिल्मी दुनिया का एज ए लिरिसिस्ट गीत निगार उनका सफ़र का आगाज़ हुआ। वो तो अलाउद्दीन साहब जालिब साहब के बड़े करीबी दोस्तों में से थे, तो उन्होंने जालिब साहब को कहा कि आप कराची से लाहौर आ जाएं, वहाँ पर आपके लिए हम लोग काम अरेंज करेंगे फिल्मों के लिए, और क्योंकि चूँकि रियाज शाहिद साहब भी उस उन दिनों में वहाँ पे आए हुए थे, फिल्म स्टार शान साहब के वालिद साहब ये और अलाउद्दीन साहब, ये दो फिल्म इंडस्ट्री में से जालिब साहब के दोस्त बने थे। और उसके बाद फिर जालिब साहब कराची से लाहौर आ गए, वो जो पहली फिल्म थी उसका गाना क्योंकि फ्लॉप हुआ, उसके बाद जब यहाँ आए तो जो फिल्म के लिए 3 गाने लिखे वो सुपर डुपर हिट हुए, और कभी उन्होंने गाने नहीं लिखे तो एक गाने का 300 रुपया उन्होंने लिया था, तो 900 रुपये गाने का लिखा था, एक जिस शायर का पहला गाना फ्लॉप हुआ और वो उन्होंने इस तरह से, तो खैर वो फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हुआ। ज़्यादातर सफ़र रियाज शाहिद साहब के साथ किया, और रियाज शाहिद साहब ने जालिब साहब से वादा किया था फिर कि जालिब तुम साम्राज्य को जितनी बड़ी से बड़ी गाली देना चाहते हो दो, मैं उसे फिल्माऊंगा। और जालिब साहब और रियाज शाहिद साहब ने वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन था, दोनों बड़े तकलीकी लोगों में से थे, और रियाज शाहिद साहब ने उसको पूरा किया और वो
जब तक उनका साथ काम करते रहे वो जालिब साहब के लिए वो वैसे ही करते रहे। जालिब साहब की कोशिश ये होती थी कि वो मोहब्बत वाले जो रंगीनियों वाले या कोई ऐसी सिचुएशनल जो है वो उस तरह के गाने वो लिखना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी शायरी में भी वही अवामी इनकलाबी अवामी बात और वो जो हकूक की बात और वो जो जुल्म ज़्यादती जबर इस्तेसाल इन्हीं मौजूआत को मद्देनज़र रखते हुए जालिब साहब ने फिल्मी गाने भी लिखे। अच्छा सर, जालिब साहब ने कोई बुक्स वगैरह भी लिखी? जी बिल्कुल। कितनी उनके हवाले से बुक्स उन्होंने? जालिब साहब ने अपनी ज़िंदगी में 7 से 8 किताबें जो हैं वो शायरी की उन्होंने मुरतब की थी और ज़्यादातर इनमें से जो कलाम है इन सारी किताबों का वो 7-8 दफ़ा जेल गए हैं और ज़्यादातर वो फिर वो उस एक ना एक किताब को मुरतब कर लाए हैं वापस। ज़्यादातर शायरी उन्होंने जेल में बैठ के ही की है। तो उसके बाद फिर उनका दीवान जो है अहबाब हबीब जालिब और फैज साहब का दीवान, इन दोनों का दीवान जो है ये लंदन से छपा था और जालिब बीती जंग पब्लिशर ने छापी और उसके बाद हमारी फाउंडेशन ने गैर मतबूआ कलाम मैं हूँ शायर ज़माना के नाम से छापा। हमारी फैमिली के अंदर दो बड़े मेन किरदार हैं, एक मेरे वालिद साहब नासिर जालिब साहब जिन्होंने रिसर्च वर्क किया और इस शमा को जलाए रखा नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए, और एक सईद परवेज साहब है जिन्होंने तहकीकी काम किया जो जालिब साहब के सबसे छोटे भाई थे और वो भी अपने आप को जालिब साहब का मद्दा समझते थे, उनको अपना लीडर समझते थे। मैं भी और मेरे वालिद साहब भी जालिब साहब को अपना लीडर समझते हैं, उनको हम उनको आइडियलाइज करते हैं। नो डाउट जी, इसमें कोई यानी कि शक की गुंजाइश नहीं है। हबीब जालिब एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक ऐसी आइडियोलॉजी के जो कि क़यामत तक शायद ये कायम रहेगी, ये सोच कायम रहेगी और इसको इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जो है वो सोसाइटी के लोग हैं जिनके ऊपर जब जुल्म होता है, जब तकलीफ़ आती है, तो वही बात हुसैनियत अली बात के जुल्म तो जुल्म है वो मिट जाएगा, तो उनको जालिब ज़रूर याद आएगा। मेरे साथ मौजूद है अमर जालिब साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जालिब साहब के घर में। इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बहुत सारे लोगों से हमें ये शिकायत आती है, उनका गिला होता है और बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, ना हम फंड रेजिंग करते हैं और ना हमने कभी किसी हुकूमत से आज तक इस काम के हवाले से कभी कोई फरियाद की है, ना उनको कहा है। हाँ, ये जालिब साहब के कुछ दोस्त हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कभी कभी कोई दोस्त हमें सपोर्ट कर देता है, तो हम ये प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो हम मेरे वालिद साहब खुद उठाते रहे और अब 2020 के बाद वालिद साहब के बाद मैं ये जो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में खुश आमदेद। जनाब सर, बताइएगा अगर मैं 2 वर्ड्स में जालिब साहब की ज़िंदगी को लेकर आऊँ जो कि मुमकिन नहीं है, तो जालिब साहब आपके नज़दीक क्या है दौरे हाजिर के लिए? रोशनी और रहनुमाई और उम्मीद। और उम्मीद, बिल्कुल जालिब साहब उम्मीद हैं और अमन के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारने का, और मैं भरपूर अगर जालिब साहब की शख्सियत को आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप अच्छे शहरी बन सकते हैं, अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो जालिब साहब के शख्सियत के अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपको अच्छा इंसान बना सके। अच्छा सर, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जालिब साहब के बाद, क्योंकि आप उनकी लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। आपने एक फाउंडेशन भी उनके नाम से कायम की है, वो फाउंडेशन के अकराज़ो मकासद क्या है, असल में उसका मकसद क्या है, और थोड़ा सा वो बताइएगा व्यूअर्स को। जी, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन हमारी फाउंडेशन 1996 में रजिस्टर्ड हुआ, जिसके फाउंडर जो हैं जालिब साहब के सबसे बड़े साहबजादे नासिर अब्बास जालिब साहब, जिनका इंतकाल 2020 फादर में, जी मेरे फादर 2020 में उनका इंतकाल हो गया, ये उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद जालिब साहब की आइडियोलॉजी और लिटरेरी वर्क को नौजवान नस्ल तक पहुंचाना है ताकि उनकी किरदार साजी हो सके और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जो है जालिब साहब की है
वो उसको आगे परवान चढ़ाना और ऐसे तमाम जमहूरियत पसंद लोगों को सपोर्ट करना है। तो ये इसके मकासद हैं और इसको हम तब से नॉन कॉन्टीन्यूसली हर साल हम जालिब साहब की याद में या जालिब साहब के हवाले से कोई ना कोई हम एक्टिविटी हर साल करते रहते हैं और दीगर जो तकारीब होती हैं जहाँ पे हम मदु किया जाता है, जहाँ पे हमें अदबी तकारीब में, सियासी तकारीब में, माशरती तकारीब में यहाँ हमें मदु किया जाता है, तो वहाँ जाके हम जालिब साहब के आइडियोलॉजी को, उनके अफकार को, उनको तरवीज, उनकी तरवीज करते हैं। तो ये अब तक और उसके बाद से हमने जालिब साहब की, क्योंकि अशात का काम जो है, उनकी पोइट्री का, वो भी हमारी फाउंडेशन के ज़िम्मे है, तो हमने वो उसके हवाले से भी काम किया हुआ है और रिसर्च का काम जो है वो भी हमारे पास रहा है। हमारे जो फाउंडर थे नासिर जालिब साहब, उन्होंने दो रिसर्च बुक्स लिखी हैं जालिब साहब के हवाले से। एक तो उन्होंने एज ए बेटा होने के हवाले से रुदादे वफा लिखी है कि उन्होंने उनके सामने जो वाक़ियात और जो मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने कैसे अपने वालिद साहब को देखा, और उसके अलावा जालिब साहब की शायरी के ऊपर रिसर्च की है, जिसके ऊपर जो किताब है हबीब जालिब शायरी मंजर पस मंजर, जो जालिब साहब की शायरी का मंजर और पस मंजर के हवाले से उन्होंने तहकीकी काम किया, उसमें उसको हमने कंपाइल किया। और जालिब साहब की एक गैर मतवा कलाम के हवाले से हमने एक किताब हमारी फाउंडेशन ने छापी थी 1996 में, मैं हूँ शायर ज़माना। और अब क्योंकि जालिब साहब का बहुत सारा कलाम जो है वो अनपब्लिश है, हम उसकी कोशिश में हैं कि किसी तरह से डिजिटलाइज किया जाए, उसको दोबारा से पब्लिश किया जाए ताकि नौजवानों तक वो पहुंच सके। बहुत सारे लोगों से हमें ये शिकायत आती है, उनका गिला होता है, और बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, ना हम फंड रेजिंग करते हैं और ना हमने कभी किसी हुकूमत से आज तक इस काम के हवाले से कभी कोई फरियाद की है, ना हमको कहा है। हाँ, ये जालिब साहब कुछ दोस्त हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ, कभी कभी कोई दोस्त हमें सपोर्ट कर देता है तो हम ये प्रोग्राम्स वगैरह, अब ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो हम मेरे वालिद साहब खुद उठाते रहे, और अब 2020 के बाद, वालिद साहब के बाद, मैं ये जो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है, मैं अपना मजदूरी वगैरह छोटी मोटी कर लेता हूँ और उससे कुछ अपने घर के अखराजात, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते रहते हैं। हम सारे बहन भाई प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, मेरे दूसरे बहन भाई भी, तो हम लोग अपना घर में, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वालिद साहब ने बैंक लोन से ही हमें घर बना दिया था, और रिटायरमेंट के बाद 33 लाख रुपये उसका अदा करके हम ये, हमें वालिद साहब हमें घर दे के चले गए। ये कुल असासा हमारा, और जालिब साहब की जो आइडियोलॉजी है, लेगेसी है, वो हमारा असासा है। ये सबसे बड़ा असासा है जो आपके पास है, फिक्री सोच होना जी, तमीरी सोच होना, अखलाकी सोच होना। ये दुनिया के जो एसेट्स हैं, ये और तरह की चीज़ें हैं, मादी चीज़ें हैं, ये किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कुछ कम है। सर, मैं ज़रूर आऊँगा एक अहद हसी की सूरत में। दुख में डूबे हुए दिन रात गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे, कोई तहकीर की नज़रों से ना देखेगा हमें, प्यार के रंग हर समत बिखर जाएंगे, प्यार उगाएगी निगाहों को सुकून बख्शेगी ये ज़मीं खुल्दे बरी की सूरत, मैं ज़रूर आऊँगा एक अहद हसी की सूरत। बिल्कुल, दुख में डूबे हुए दिन रात गुजर जाएंगे। सर, ये वो उम्मीद जालिब साहब ने दी है हमारे जो नौजवान, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ये उनके लिए उम्मीद जालिब साहब ने जगाई है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को वो पाकिस्तान हम ज़रूर बनाएंगे, मिलकर, सब हम सब मिलकर बनाएंगे, जिसका ख्वाब अलामा इकबाल ने देखा और जिस नज़रिए के तहत कायद आज़म ने जदोजहद कर हमें ये मुल्क हमें दिया। ज़रूर ज़रूर सर, इसमें एक चीज़ मैं अगर ऐड ऑन कर लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नहीं ये भी उस तारीख का वाकया बन जाएगा, नहीं तो ये चीज़, मैडम नूरजहान जी, जी मैडम ने एक तराना गाया था जालिब साहब का, शायद आपके याद हो आपको, मेरे ढोल सिपाहिया। जालिब साहब ने जो जंगें हुई हैं 1965 और 71, 1965 में ख़ास तौर पर जालिब साहब ने जो मिली नगमे जो है ना, जालिब साहब ने अफवाज पाकिस्तान की हौसला अफजाई के लिए, उनको जोश वलवला पैदा करने के लिए काफ़ी लिखे, और रेडियो पाकिस्तान से वो नशर भी होते रहे,
और आज भी जो हमारे जवान जो फौजी जो हैं वो बैठे हुए हैं बैरकों में और हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो जालिब साहब से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये कुछ चंद लोग जो होते हैं वो उनकी वजह से जो है मामला बिगाड़ पैदा होते हैं, लेकिन वो चंद होते हैं। हमारे जवान जो हैं वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए बहुत फुल भरपूर जज्बे के साथ अपनी कुर्बानियां भी देते आ रहे हैं। उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलियों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जितने हमारे सिविलियंस इस मुल्क की खातिर जो शहीद हुए हैं या जो बेमौत मारे गए हैं, उनके घर हुए हैं, बेघर हुए हैं जो भी, और जो अब तक मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं और उनको भी मैं ये उनके लिए भी दुआ गूँ कि वो अल्लाह ताला उनको भी। बिल्कुल जी, अमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। एक बात और हम लोग करना भूल गए जी, प्लीज़। हम लोगों ने 8 साल से जालिब अवामी मेला के नाम से इवेंट शुरू किया है, हर साल अलहमरा में लाहौर में मुनक्कद करते हैं। ये सारा इवेंट जो है जालिब साहब के गिर्द ही घूमता है, तो मैं आपके इस तमाम देखने वालों को इसमें दावत देता हूँ कि अगले साल मार्च में हम इसको करने जा रहे हैं, आप लोग सब लोग आएँ और जालिब साहब के हवाले से जालिब साहब की आइडियोलॉजी को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप और आप सब जालिब हैं, मेरा तो एक ब्लड रिलेशन है प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ, लेकिन असल में वारिस आप लोग हैं। आप लोगों ने मिलकर जालिब साहब के पैगाम को आगे पहुँचाना, और आपका शुक्रिया कि आपने आज उसका उस अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज अपने वो कर दिखाया है, और उसको आप आगे भी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको आगे भी लेकर चलें। आपका शुक्रिया। हमारा हमारे चैनल का जो मकसद है असल में वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनल लोगों तक लेके जाना, और ये हमारी वो पर्सनालिटीज़ हैं, ये वो हमारे एसेट्स हैं जिनको लोगों तक बताना है, दौरे हाजिर के वो फिलासफर्स को दानिश्वरों को बताना है कि एक जालिब की सोच क्या थी, और इसी सोच के तहत उनको आगे लेके चलना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने जालिब की जो आइडियोलॉजी से मुझे और आने वाले नस्लों को यानी कि बताने की कोशिश की है। इस सर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हबीब जालिब साहब की वो नज़म, वो शहर आफाक नज़म जो सिस्टम के अगेंस्ट थी, जो आज भी उसकी अक्कासी करती है, अगर वो आप कह दें तो उसके साथ फिर हम जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके तमाम चाहने वालों के को इनायत करता हूँ। दस्तूर उस नज़म का उनवान है, तैतुल लफ्ज़ पे मैं करूँ सुनाऊँगा आपको। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसू, चारा घर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आपने आज हबीब जालिब साहब की यादों को ताज़ा किया। मुझे उम्मीद है कि यह सफ़र जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। नाज़रीन आप देख रहे थे ये आज का प्रोग्राम, इस अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये सफ़र हमारा भी जारी रहेगा। अगले एपिसोड में आप अपने नए स्टार के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी होगी। इसके साथ शाहिद मियाँ को ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे?
अब आपने घर क्यों भेज दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।